और हर बार किसी न किसी पहलू को लेके समाज के बीच में जाते हैं और उनकी व्यथा को सुलझाने का भी प्रयास करते हैं, कुछ इतिहास के बारे में बताने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपके बीच में करना चाहूंगा कि हम मार कहां पर खा जाते हैं। हमारे बहुत सारे लोग मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, बहुत सारे सालों से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उस मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। साथियों, मेरी उम्र 37 साल है और लगभग 7 साल पहले ही मुझे बाबा साहब या महापुरुषों के बारे में पता चला था। उससे पहले जो 30 साल मेरे थे वो उसी मनुवादी व्यवस्था को मैंने दान कर रखे थे, और उसी मनुवादी व्यवस्था जिसमें जो हमारे विपरीत है उसमें ही हम उसको आगे बढ़ा रहे थे। मतलब मेरे जिंदगी के 30 साल मेरे समाज के विपरीत लगे हैं और पिछले 7 सालों से उसी को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे मेरे जैसे ऐसे ही साथी जो अपनी जवानी, जो अपना पीक का टाइम होता है वो उन्हें दान कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं की व्यवस्थाओं के साथ हो सकते हैं, तो हम अपनी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना लेते। पिछली बार जब यही कार्यक्रम दिल्ली के अंदर हुआ था तो किसी एक साथी से मुझे सुनने को मिला था कि हम BHK, 2 BHK, 3 BHK, बेडरूम, हॉल, किचन ऐसे घर बना लेते हैं, लेकिन अब हमें BLHK बनाने की जरूरत है, बेडरूम, लाइब्रेरी, हॉल, किचन, एक लाइब्रेरी जरूर बनाने की जरूरत है। लेकिन जब हमने गांव-गांव घूमकर देखा या बस्तियों में, मैं यहां पर भी देख रहा हूं, हमारे पास 1 या 2 कमरे के मकान होते हैं, उसी में हमें रहना होता है, उसी में खाना होता है, उसी के अंदर एक टेलीविजन लगा हुआ होता है, उसी में हम नहाते हैं, और उसी टेलीविजन जब वो चलता है तो क्या बच्चा उस स्थिति में अच्छे से पढ़ पाएगा? मेरे ख्याल से शायद नहीं पढ़ पाएगा। जब उसको पढ़ने के लिए उचित जगह ही नहीं मिलेगी तो वो पढ़ाई में आगे कैसे बढ़ेगा? या हम उसको वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाएंगे जो समाज के लिए लाभदायक है, तब तक वो कैसे उसको जानेगा? फिर उसके ऊपर ऐसे ही खत्म होती चली जाएगी। तो साथियों, इसी प्रयास को लेकर पिछले लगभग 10 महीने से एक टीम हरियाणा के अंदर काम कर रही है बदलाव नाम से, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। क्योंकि हम घर घर लाइब्रेरी नहीं बना सकते, लेकिन हमारे पास बहुत सारे सार्वजनिक स्थल जो कि चौपालों के रूप में हो सकते हैं, अम्बेडकर भवन ग्रुप के रूप में हो सकते हैं, वाल्मीकि समुदाय के रूप में हो सकते हैं, या पारवा समाज की कोई भी थाई को हम लगा लें, जगह को लगा लें, पार्क को लगा लें, उसके रूप में पड़ी हुई है। और वो पड़ी हुई है, मात्र पूरे वर्ष में हम 4 या 5 आयोजन, जिसको हम साथी बोलते हैं, या फिर मरने के बाद जो कुछ हमारे रिश्तेदार आते हैं उनको बिठाने के लिए वो यूज होती है, उसके अलावा उनका कोई यूज नहीं। यदि हम उन्हीं चौपालों को पुस्तकालयों के रूप में बदल दें तो शायद जो हमारा समाज है आसपास का, उनके बच्चों को वो सही जगह मिल पाएगी ताकि वो वहां पर बैठकर पढ़ पाए। दूसरी बात, यदि एक छोटे से बच्चे को ही हम इतिहास के बारे में बताने लग जाएंगे कि बाबा साहब है, तथागत बुद्ध है, मामना ज्योतिबा फुले हैं, सावित्री जी बाई फुले, रमाबाई जी हैं, साहब कांशीराम जी हैं, तो 30 साल की उम्र में हमें उसके सामने जाने की कहकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तूने घर में एक कोण कोण से आतंकवादी टांग रखे हैं, उनके घरों में हमें यही मिलेगी, उनके विचारों में हमें यही मिलेगी, तो उस लाइब्रेरी के द्वारा हम उनको इतिहास भी बता सकते हैं। साथियों, समय बहुत विपरीत चल रहा है, लेकिन हम बार बार यही बात करते रहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया, तथागत बुद्ध ने हमारे लिए किया, माता सावित्री जी बाई फुले ने हमारे लिए किया, लेकिन सोचना तो ये है वो तो करके चले गए, अब वो वापस आने वाले नहीं है, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं उसकी तरफ तो ध्यान देने की जरूरत है। ये तो करके चले गए, गुणगान तो किसी का भी करते रहो, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। बात यह है कि आप समाज के लिए कितना समय दे रहे हैं और समाज को क्या सही दिशा दे रहे हैं। तो साथियों, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आपके आस पड़ोस में यदि ऐसी जगह चौपाले हैं या सार्वजनिक स्थल है तो उनको पुस्तकालय के रूप में बदलें। हरियाणा के अंदर लगभग 100 के करीब ऐसे पुस्तकालय खुल चुके हैं, 100 के करीब, और उनमें से आपस में से ही बच्चे पढ़कर लगभग 125 बच्चे सरकारी नौकरी पे आ चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने कहीं भी किसी भी ट्यूशन सेंटर में कोई भी फीस नहीं दी है, और ना ही उनको देने की जरूरत है, क्योंकि उनके सामने वो व्यवस्थाएं उनकी स्थापित कर दी गई हैं, वो आने वाली पीढ़ी है वो उसको बढ़ाते हुए रख रही है, और इस कड़ी में बदलाव टीम आपका हर तरीके से सहयोग करेगी। आप YouTube, Facebook और सोशल मीडिया पर बदलाव सोशल सोसाइटी लिख के देखें, हमसे संपर्क करें, हम उसको आगे गति देने में आपका सहयोग करेंगे। पुस्तकालय आपका होगा, नाम आपका होगा, बदलाव का सिर्फ सहयोग रहेगा, बदलाव टीम ये नहीं कहेगी भी हमने खोल दिया, ये
खुला अपने है, समाज का है और समाज के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। और यदि हमने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया तो साथियों हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो फिर गुलाम पैदा होंगी। और ये बच्चे चीख चीख कर आपको बोल रहे हैं कि उठ काम पर लग जा बाबू, उठ काम पर लग जा बाबू, करना मारा चाह तो मारा हक दिलावण खातर, बन जा भी बराबर तो बन जा भी बराबर तो। अब खुद को भी बराबर बनना पड़ेगा, अपनी मेहनत के बल पे तू लोहा बना दे बात का, दिन भी तेरा रात भी तेरी, के काटेगा गात का, कलम चला दे मनुवाद पे सह गहना युवात का, और शेर सदा कल्ला चल है मोहताज नहीं हो साथ का। बहु जगह के नस नस में भरते सच्चे भाव तो भारा दिलावण खेतर, बन जा भी बराबर तो बन जा भी बराबर तो। स्कूल में से द्रोण बतेरे नीति नहीं अपना रहे से, गुंठे टाइम सबर कराना बुद्धि न कर जा रहे से, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उस तय दूर बजा रहे से, और पढ़े लिखे और बड़ा की थोक में थोक में प्यार सहा रहे से, खुले से विचार जगा कर पार लगा दे नाल तो मारा दिलावण खेतर, बन जा भी मराव तो बन जा भी बराव तो। साथियों यदि बात अच्छी लगी हो तो इस पर थोड़ा सा गौर करना, और अपने अपने गांव अपने अपने बस्ती में जाके जो हमारी खाली जगह पड़ी है समाज के सहयोग से वहां पे एक पुस्तकालय या एक शिक्षण संस्थान जरूर कर देना, शायद आने वाली पीढ़ियों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे महापुरुष ये थे या उनका मिशन ये था। आप सभी ने ध्यान से सुना, स्वाभिमान टीम की पूरी टीम को मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर जय भीम, जय भारत, जय मानव। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।